जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम के अंतर्गत टाइप 20। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो बताइए शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, अर्थात ए और बी एक साथ काम को चालू करते हैं। 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया है तो शेष बचे हुए काम को बी अकेले पूरा करेगा। तो यही पूछ रहा है कि शेष बचे हुए कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, अर्थात 4 दिन तक ए और बी दोनों ने साथ काम किया है। ध्यान दीजिएगा, हम इसे पहले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, जबकि ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर होगा 1/12 कार्य, जबकि बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर होगा 1/15 कार्य। तो देयरफोर ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर होगा 1/12 प्लस 1/15। इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 × 5 = 60। तो ये हो जाएगा 60 एलसीएम आएगा, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, अर्थात 9/60, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, अर्थात 3/20। अब देखिएगा, ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 3/20 कार्य, और यहां पर लिखा है उन्होंने एक साथ काम को प्रारंभ किया, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, अर्थात 4 दिनों तक ए और बी दोनों ने एक साथ कार्य किया है। तो देयरफोर ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 3/20, तो 4 दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 3/20 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 5 = 20, अर्थात 3/20
पांच, ये आ रहा है तीन बटा चार, तीन बटा पांच, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा आपका चार एकम चार, चार पंचे बीस, अर्थात तीन बटा पांच कार्य। इसका मतलब यह है कि A प्लस B के द्वारा चार दिन में तीन बटा पांच कार्य कंप्लीट कर लिया गया। तो शेष बचा कार्य आप निकाल लीजिए, जिसे B कितने दिन में करेगा इसे फाइंड आउट करना है। तो देयरफोर शेष कार्य बराबर पूरा काम है एक में से जो काम कंप्लीट हो चुका है इसे घटा दीजिए, तीन बटा पांच इसे घटा देंगे तो यह आ जाएगा पांच एकम पांच, अर्थात दो बटा पांच कार्य ये बचेगा शेष, जिसे अब अकेले करेगा बी। तो ध्यान दीजिएगा बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है एक बटा पंद्रह। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, जबकि बी के द्वारा इसी को हम लिख सकते हैं, बी के द्वारा एक कार्य करने में लगा समय, अर्थात पूरा कार्य करने में लगा समय यह हमें दिया गया है। बी के द्वारा एक कार्य या पूरा कार्य करने में लगा समय दिया गया है 15 दिन, और यहां शेष कार्य बचा है दो बटा पांच। तो देयरफोर बी के द्वारा दो बटा पांच कार्य करने में लगा समय बराबर होगा 15 × 2/5, यह जगह पांच कम पांच, पांच तिया 15, अर्थात 6 दिन। इसका मतलब यह है कि शेष कार्य को बी 6 दिनों में पूरा करेगा। इसी प्रश्न को यदि हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न को यदि हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखिए उसमें क्या है। इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए दूसरे मेथड से अर्थात फॉर्मूला वाले मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया। जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि यह होता है x1/a1 प्लस x2/a2। अब यहां दो ही पर्सन है तो इतना ही रहेगा बराबर एक कार्य। ये A के द्वारा किया गया कार्य है x1/a1 और ये B के द्वारा किया गया कार्य है x2/a2 बराबर एक कार्य। अब देखिए A तथा B क्रमशः किसी कार्य को 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, 4 दिन बाद A ने काम छोड़ दिया, अर्थात A सिर्फ और सिर्फ 4 दिन तक ही काम कर रहा है। नोटिस कीजिएगा, A सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों तक ही कार्य कर रहा है। यदि हम A की बात करते हैं, यहां पर ये A के लिए है, A के द्वारा किया गया कार्य प्लस B के द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा एक कार्य। अब देखिए A सिर्फ और सिर्फ 4 ही दिन काम कर रहा है, तो A के लिए x1 की वैल्यू 4, अर्थात A ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। A उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 12 दिन में। तो A के लिए a1 की वैल्यू है 12 प्लस, अब इसी के लिए B को देखते हैं, B ने पहले A के साथ 4 दिन तक काम किया, अर्थात बी ने चार दिन तक काम किया है तो 4/बी के लिए देखते हैं 4/, और बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है 15, तो 4/15 प्लस। अब शेष कार्य को बी अकेले करेगा, तो मैंने मान लिया कि शेष कार्य को बी एक्स दिन में पूरा करता है, तो बटा कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है बी, 15 बराबर एक कार्य। ध्यान दीजिएगा, बी की बात करते हैं तो बी 4 दिन तक काम करता है ए के साथ, तो 4/बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है 15। अब बी शेष कार्य को अकेला करेगा, तो मैंने मान लिया कि बी एक्स दिन में शेष कार्य को पूरा करेगा बटा 15 का अर्थ है कि बी कंप्लीट कितने में दिन में करता है 15 दिनों में। अब इसको सॉल्व हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये एक्स बटा 15 को ऐसे ही रहने दीजिए बराबर 1, 4/12 को पचांतर कीजिए माइनस 4/
12, अभी मैं नहीं काट रहा हूं, 4/15 प्लस में इधर आएगा माइनस 4/15, यहां पर मैं एलसीएम लेना चाहता हूं इसलिए मैंने नहीं काटा, यहां पर एलसीएम आएगा 60, 60 एकम 60 माइनस 12 पंचे 60, 5 आएगा, 5 चौक 20 माइनस 15 चौक 60, 4 आएगा, 4 चौक 16, तो ये आ रहा है एक्स 15 बराबर, देखिएगा ये आपका 60 में से 20 जाएगा, बचेगा 40, 40 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 4, यहां बचेगा 3, 24, तो ये पूरा आ गया 24/60। अब देखिए 15 चौक 60, 4 छिका 24, तो देयरफोर एक्स बराबर आ रहा है 6 दिन, अर्थात शेष कार्य को बी 6 दिन में पूरा करेगा। इसी में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, देखिएगा इसी में हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं, देखिएगा इसी में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम को प्रारंभ किया, 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बताइए शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। या यहां पर बोल देता कि 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो बताइए शेष कार्य को, यहां पर 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया तो बताइए शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। मान लीजिए यह प्रश्न है, इसको हम पहले मेथड से सॉल्व करते हैं, देखिएगा जबकि ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यह आपका है 1/20 कार्य, जबकि बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यह आपका होगा 1/25 कार्य, उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, तो देयरफोर ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, इन दोनों को जोड़ेंगे 1/20 प्लस 1/25, एलसीएम यहां पर आएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर एलसीएम आएगा 100, 20 पंचे 100, 25 चौक 100, तो यह आएगा 9/100, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा है उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए और बी ने 5 दिन तक एक साथ काम किया है, तो देयरफोर ए प्लस बी के द्वारा एक दिन का काम है 9/100, तो ए प्लस बी के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य बराबर होगा 9/100 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, यह आ जाएगा 9/20 कार्य, अर्थात ए प्लस बी के द्वारा 5 दिन में 9/20 कार्य कर लिया गया, तो देयरफोर शेष कार्य 1 में से पूरा काम है 1 में से 9/20 को आप माइनस कर दीजिए, 20 एकम 20 में से 9 गया, 11/20 कार्य, ये बचेगा शेष कार्य। अब ध्यान दीजिएगा शेष कार्य को कौन करेगा, ए, ध्यान दीजिएगा ए अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि ए के द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लगा समय यह दिया गया है 20 दिन, तो देयरफोर ए के द्वारा शेष बचा कार्य 11/20 कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर है 20 × 11/20, तो यह 20 से 20 कैंसिल, अर्थात 11 दिन, तो यहां पर शेष बचे कार्य को ए को कंप्लीट करने में कुल 11 दिन लगेंगे। इसी प्रश्न को यदि हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिएगा
इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि ए के द्वारा किया गया कार्य और बी के द्वारा किया गया कार्य को जोड़ेंगे तो आ जाएगा एक कार्य। ए के द्वारा किया गया कार्य X1 बटा A1, बी के द्वारा किया गया कार्य X2 बटा A2 बराबर एक कार्य। अब देखिएगा, यहां पर ए और बी एक साथ काम करते हैं और बी ने पांच दिन के बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि ए ने पांच दिन तक काम किया, पहले ए ने पांच दिन तक काम किया और ए किसी काम को कंप्लीट करने में कुल 20 दिन लेता है, तो 20 प्लस पांच दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने तो नहीं छोड़ा ना, तो मैंने मान लिया कि ए एक्स दिन तक एक्स्ट्रा काम करता है, तो एक्स बटा 20, ये ए के लिए हुआ, प्लस बी सिर्फ और सिर्फ पांच दिन काम करता है, तो पांच बटा और बी काम को कंप्लीट करने में लेता है 25 दिन बराबर एक कार्य। यहां पर x का मतलब है कि शेष बचे कार्य को a कितने दिन करेगा या a के द्वारा कितना दिन एक्स्ट्रा काम किया गया, तो x दिन है। यहां पर आप LCM ले सकते हो, ध्यान दीजिएगा, या इसे पक्षांतर कर दीजिए, तो यह आ जाएगा कुल x बटा 20 बराबर 1 माइनस, मैं यहां पर काट नहीं रहा हूं, 5 बटा 20, इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस 5 बटा 25। देखिएगा यहां से, अब मैं इसको काट देता हूं, यदि 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 25, तो यह आएगा 1 माइनस 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 5। LCM लेते हैं तो LCM आएगा ये 20, 20 एकम 20 माइनस 4 पंचे 20 माइनस 5 चौक 20, यह आएगा 20 में से 9 जाएगा तो यह जाएगा 11 बटा 20। यहां पर x बटा 20 बराबर 11 बटा 20, 20 से 20 काट दीजिए तो x बराबर यह आ जाएगा 11 दिन, अर्थात शेष बचे कार्य को a 11 दिनों में पूरा करेगा।